अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जी मेरा जो प्लान है नहायत ही कमाल का है। मुझे कोई डिटेल नहीं पता कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। ये सरप्राइज़ है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आपको मैंने देने आज दो सरप्राइज़ इंशाल्लाह। एक तो है जी वर्ल्ड माउंटेन डे, आपको मैंने हिंट दे दी है। बाकी जो बातें हैं मैं आपको बताऊँगा रस्ते के अंदर। और एक मेरा नहायत ही बेहतरीन किस्म के इस्लामाबाद के एक ब्लॉगर हैं, उनके साथ होने जा रहा है कोलैबोरेशन। उनसे मैं मिलने लगूँ फर्स्ट टाइम के ऊपर, उनके साथ राइड करेंगे। और ये भी सरप्राइज़ है, ये भी मैं आपको रस्ते में चल के बताऊँगा कि वो भाई कौन है, उनसे आपको चल के मिलाते हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, अपनी करते हैं राइड स्टार्ट। और दिन का टाइम हो रहा तकरीबन 10:30 बजे। मीटअप का मेरा जो टाइम था वो था 10 बजे का, तो ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। मेरा बेटा जो है मोहम्मद ताहा, ये जाग चुका है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको अंदर लगा के दूँ कार्टून, ताकि अपनी राइड स्टार्ट करूँ। मेरे बगैर रहता भी नहीं किसी के पास। तहा से हाई टू कैमरा, ये देखो। ओके जी, चले अपनी आप ड्राइव स्टार्ट करते हैं। मुझे तहा को आप दें शॉर्ट सी इजाज़त, फिर मिलते हैं आपको राइड के दौरान। आज की जो राइड है नहायत ही बेहतरीन होने वाली है और एक्साइटमेंट बहुत है मेरी इस टाइम पे। जो मेरा दिल है ना वो बाग बाग हो रहा है खुशी से। वो इस तरह से कि लास्ट टाइम मैंने की है सोलो राइड और इस दफा मैं जा रहा हूँ ग्रुप राइड के अंदर। और यहाँ पे देंगे आपको एक सरप्राइज़, एक हमारे इस्लामाबाद के बड़े ही फेमस मोटो व्लॉगर हैं, उनके साथ ये राइड है। आज दिन है जी वर्ल्ड माउंटेन डे, 11th of December 2021। वर्ल्ड माउंटेन डे है, वर्ल्ड माउंटेन डे का जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके मैं बता देता हूँ। ये एक UN की तरफ से दिन मनाया जाता है, तमाम जो लोग रहते हैं माउंटेन के अंदर और फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन करनी है हमने, उसकी अवेयरनेस के लिए एक दिन रखा गया था कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको अप्रिशिएट करना, आपने कैसे अपने जो जंगल है उनको महफूज करना है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। मेरे साथ हैं जी बिलाल भाई। बिलाल भाई को कुछ टाइम हो गया मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। लास्ट सोलो राइड के ऊपर भी मैंने जो तैयारी करनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। थैंक यू बिलाल भाई। और इसको करते हैं जी ओवरटेक। बिलाल भाई जो है ना मेरा वेट कर रहे हैं इस्लामाबाद जो मेन एंट्रेंस है वहाँ, जैसे ही फैजाबाद सेंटर होते हैं वहाँ पे वेट कर रहे हैं। उनको मैंने टाइम तो दिया था 10 बजे का, अभी 10:30 हो चुके हैं। सॉरी यार बिलाल, थोड़ा लेट हो गया। पता क्या सीन हुआ, रात को तैयारी नहीं की ना, सुबह उठूँ 8 बजे रात को तैयार हो तो ये उस वक्त का लगा सर मैं कुछ ना कुछ करते हुए, लेकिन सेटिंग सही की है मैंने। चलें जी आपको मैं लेके जा रहा हूँ, अपना पहला जो सरप्राइज है वो देना मैंने। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट सेकेंड जो हमारी एक्टिविटी है उसकी तरफ चलेंगे। बिलाल भाई तो भाई कट्टे मार रहे हैं इस तरह जिस तरह 70 के ऊपर नहीं मारते मड़ी रोड के ऊपर। सर बिलाल भाई जो है ना प्रो बाइकर हैं और उनकी माशाल्लाह तैयारी देख लें आप। ले जी पहले सरप्राइज की तरफ हम आ चुके हैं। तो फाइनली ये था मेरा सरप्राइज़। यहाँ पे सारे बाइकर कम्युनिटी के बाइकर क्रू से हैं इकरार भाई, ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये माउंटेन डे के हवाले से आज राइड पे निकले हैं। इकरार भाई बताएंगे जरा माउंटेन डे को मनाते हैं। बिल्कुल सर, पहाड़ों का आलमी दिन, जब हम पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं पहाड़ों में राइड करते हैं तो पहाड़ों का इंटरनेशनल वर्ल्ड माउंटेन डे है उसको मनाना हमारा जो है ना वो फ़र्ज़ बनता है। तो ये कि आज का जो दिन है वो पहाड़ों के साथ बस गुजारने का एक मौका एक है, है। बिल्कुल। तो ये कि
अवेयरनेस तो क्या, सारे घूमते हैं, अभी भी हम जाएंगे, आप लोगों ने भी जाना है, सारों ने, बस इसी पहाड़ियों पर ही हमारा सारा, जितने भी बाइकर्स हैं उनका यही होता है, सबसे पहले हर बाइकर की ख्वाहिश होती है जी मैं खुंजराब पास जो है ना पहुँच जाऊँ, ऐसे ही ठीक है। तो ये कि बस सबके लिए ये है कि जी जो भी दिन होता है, टूरिज्म डे होता है, वर्ल्ड माउंटेन डे होता है, उसको अच्छे से मनाएं, ठीक है। तो ये मेन मेन दिन होते हैं, इसमें कोई ऐसा ही है। अच्छा इकरार भाई हैं जी द बाइकर क्रू के क्लब से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमें अगर मौका मिला तो इनके साथ राइड करेंगे। अच्छा जी बाइकर जो क्रू है वो जा चुका है जी अपनी राइड के ऊपर, और इस दफ़ा तो हम उन्हें ज्वाइन नहीं कर सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे उनके साथ भी एक ग्रुप राइड का जो मज़ा है वो भी लेना हमने। तो अभी जो नेक्स्ट सरप्राइज़ है उसकी तरफ जा रहे हैं, अभी आपको नहीं बता रहा मैं हम कहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है, आज नेविगेशन भी नहीं है मेरे पास बिल्कुल। आगे मेरे बिलाल भाई हैं, उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आज मज़ा आने वाला है। एक आपको पहले बताया कैंपिंग हमने करनी है शाम के टाइम, तो एक्साइटमेंट है भाई, फर्स्ट टाइम आपका भाई कैंपिंग करेगा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अभी मैं जा रहा हूँ, हमारा जो मीटर पॉइंट है वो है मार्गला एंट्रेंस के ऊपर जो रास्ता जाता है दामने को मदाल की तरफ, तो वहाँ पे हमने इकट्ठे होना 12 बजे, 12 बजने में आएगा, 5 मिनट बाकी हैं भाई, वो सिर्फ कासम भाई, और इन भाई को तो आप जानते हैं कैंपिंग का प्लान है, स्पॉट ऊपर चल के बताते हैं आपको कहाँ पे हमने स्टे करना है। नहायत ये खूबसूरत गांव है, इस्लामाबाद के अंदर ही आता है, तो वहाँ पे हमारा सीन है जी कैंपिंग करने का। उससे पहले कुछ हमने एक्टिविटीज़ करनी है, वो भी आपको चल के दिखाते हैं क्या सीन है, और इससे आगे कितना डिस्टेंस है नो आइडिया जी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कहाँ पे जा रहे हैं। आपके लिए सरप्राइज़, मेरे लिए भी सरप्राइज़। भाई आ गए साथ पीछे वाले भी। टोटल जी हम 5 बाइक हैं, हम आगे हैं, मेरे 3 बाइक पीछे हैं जी, 1 भाई हैं। अच्छा जी आगे हैं 4 हमारे बाइक, इनको ज़रा हम एक ओवरटेक करते हैं, आपको ज़रा दिखाएं कि सब बाइक कैसे तैयारी में आए हैं। ये पहले गए, ये बिलाल भाई गए, ये दूसरे भाई आगे हैं जी, अमार भाई। यहाँ से ऑफ रोड का पैर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आएगा राइड का मजा। फाइनली कैंपिंग के स्पॉट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं जी, और यहाँ पे अभी कैंप लगाते हैं, आपको सासीन दिखाते हैं। ये है जी मस्ता विलेज। मस्ता विलेज का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन जो मागला की मेन इंट्रेस है वहाँ से बनता है 17 किलोमीटर। इसका जो ट्रेवल टाइम है वो है जी 40 मिनट्स के करीब। आप मदाल को क्रॉस करते हुए जाते हैं ऊपर के पी के की हदूद से आप जाते हैं जी मेन, आगे 3 से 4 किलोमीटर मेन रोड से लेफ्ट साइड के ऊपर आप जाते हैं। यहाँ से ऊपर जाके कैंपिंग एक स्पॉट आता है जंगल के अंदर ही, कोई प्रॉपर जगह बनी नहीं है लेकिन यहाँ पे आके आप सेफली कैंपिंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो ऑफ रोडिंग थी मेरी कंप्लीट हो गई है, अभी रखते हैं इसको कैंप के अंदर सामान को, उसके बाद नेक्स्ट जो सीन है वो ऑन करते हैं। फिलहाल भाई ये बैग रखे मेरा अंदर, चेक भी रखते हैं। अभी जी चल रहा है जी मिशन लकड़ी इकट्ठी करने का,
अच्छा शाम का टाइम डल रहा है, अभी लग रही है थोड़ी थोड़ी ठंड। अमार भाई कर रहे हैं जी काफी रेडी इस तरफ। थैंक यू अमार भाई, यहाँ पे चल रही है काफी का सीन। और हमारे इस तरफ बिलाल भाई वो सर्व कर रहे हैं जी बारबेक्यू सीन ऑन। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। लकड़ी हमने जमा की, वहाँ पे पीछे आग लगाई, उससे पहले हमने पी है कॉफ़ी। और यहाँ पे मुर्तज़ा भाई हमारे इस तरफ हमारे जो शेफ हैं, चीफ शेफ हैं, चीफ गेस्ट हमारे अमार भाई। तो यहाँ पे सीन करते हैं जी बारबेक्यू का ऑन। सो फाइनली गाइस, हमारे जो टिक्के हैं वो रेडी हो चुके हैं, तकरीबन लगे हैं 3-1 घंटे। सख्त भूख लगी है और यहाँ पे टेम्परेचर है वो तकरीबन 6-7 का टेम्परेचर है। इस सर्दी के अंदर बहुत सख्त भूख लगी है, इसको करते हैं ट्राई। यार बहुत टेस्टी है। अब मुझे नहीं पता ये भूख की वजह से है या मुर्तज़ा ने कमाल का किया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम मसा विलेज। रात को जी हमने बड़ी पुरसकून नींद गुजारी है यहाँ पे। माशाल्लाह से हमारी सबकी जो तैयारी है वो बेहतरीन थी, स्लीपिंग बैग हमारे पास थे। तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ जो भी बंदा बाहर निकले, एटलीस्ट विंटर सीजन के अंदर आप निकलते हैं तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि आपको रात को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे बड़ा ही कमाल इन्वायरमेंट है, आई बिलीव यहाँ पे 5-6 टेम्परेचर है और नहायत ही पुरसकून इन्वायरमेंट है। ज़रा बाहर निकलो, मैंने कहा आपको ज़रा व्यू दिखाते हैं यहाँ पे क्या सीन है अभी इस टाइम का। सो फाइनली गाइस, हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो रहा है, पीछे कॉफ़ी तैयार की जा रही है। मेरे साथ है अमार भाई, आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं जो पिंडी इस्लामाबाद से तलर, आई गेस पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी लोग इनको जानते हैं। तो अमार भाई ने सेम व्लॉग रिकॉर्ड किया, जायन का व्लॉग चेक करें, इनका चैनल चेक करें, इसका मैं लिंक देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू सो मच अमार भाई, आपके साथ राइड करने का काफ़ी मज़ा आया। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर भी मेरा दिल है कि आपके साथ हम राइड पर गठे निकलें और जो खूबसूरत सी जगहें हैं उनको एक्सप्लोर करें और आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको हम कुछ दिखा सकें। कुछ कहना चाहेंगे? यार लिटरली बहुत मज़ा आया। बेसिकली कैंपिंग या इस तरह का जो एडवेंचर होता है ना, इसमें आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके साथ कैसे लोग हैं, कौन से लोग हैं, क्योंकि कैंपिंग करना और वो भी ऐसी जगह पे, ये कोई मजाक नहीं, लिटरली ये बहुत हार्ड होता है। आपको किसी भी तरह का चैलेंज जो है फेस करना पड़ सकता है, तो कंपनी जितनी अच्छी हो तो सारे चैलेंजेस जो है बंदा इजीली जो है उनको कवर जी करते। मैं एंडोर्स करता हूँ इस बात को। सेकंड बात कि आप तैयारी के साथ आएँ, हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह जो असली बैग थे उन्होंने रात को बहुत हेल्प किया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर था रात को 2-3 आई गेस, तो उस वजह से हमारा जो है ना गुजारा हो गया था। जो भी बंदा आता है तैयारी के साथ निकलें, इस तरह ना निकलें कि बस मुँह उठाया और चल पड़े कैंपिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच अमार भाई वंस अगेन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट के सीन। अच्छा कासम भाई ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं, चेक कीजिएगा प्लेट ना हो तो। अच्छा जब आप कैंप पे आते हो तो लग्जरी ख़त्म होती है और मज़ा यही है यार, खुद काम करो, आपको जितना मुश्किल होगी काम करने में उतना आपको इंजॉयमेंट ज़्यादा होगी। ऐसे ही है जी बिल्कुल, जब भी आउटडोर निकलें तो फैसिलिटीज़ के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ करें, जो भी आपके साथ लोग आते हैं उनके साथ कोऑपरेट करें और ऐसे ही है। अच्छा मुर्तज़ा भाई आप कैसे एक्सपीरियंस? एक चीज़ मैं कर लूँ फिर मैं निकल जाता हूँ, फिर मुर्तज़ा का इंटरव्यू लेना। यार असल में पानी शानी जो है ना लड़कों ने गिरा दिया यार, पता नहीं कौन बेवकूफ़ इंसान था। अच्छा। पानी उसने गिरा दी, पानी हमारे पास नहीं तो अब सेब ऐसे ही हम खा रहे हैं,
मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस हुए हैं कैंपिंग के, में सबसे अच्छा रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा हमने तैयारी भी करी। आज हम जो साथ थे। अच्छा थैंक्स टू बिलाल भाई, ये जो कैंप का अरेंजमेंट किया ये बिलाल ने किया और स्लीपिंग बैग का भी अरेंजमेंट किया, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपने बड़ा अच्छा काम किया। जी जी कोई नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज था आपके लिए ये सारा कुछ करना और ऐसी कंपनी की वजह से तो मतलब हमारा ट्रिप इतना ज़बरदस्त हो गया और इन्जॉय किया हमने इस चीज़ को बड़ा। अच्छा आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी इन्जॉय किया, मेरा कैंपिंग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो लिटरली बहुत ही इन्जॉय किया क्योंकि तैयारी हमारी कम्प्लीट थी और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर कैंपिंग करने का। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप तैयारी के साथ आएँ, आप यहाँ पे आएँ मस्ता विलेज के अंदर इन्वायरमेंट को एंजॉय करें, जो यहाँ पे नेचर है लिटरली कमाल है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, मेरी वीडियो कीजिएगा लाइक और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो मस्ट है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।